हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग? एकदम गाचो गाचो। तो यार, मैंने सोचा कि अब अपन को चैनल में थोड़े बहुत चेंजेस करने चाहिए। जैसे जो मैं EXE वीडियोस डालता हूँ वो तो हफ्ते में एक अपलोड करूँगा ही, इसी के साथ साथ आपको अब चैनल पर नए नए कंटेंट्स देखने को भी मिलेंगे, जैसे टिप्स एंड ट्रिक्स हो गई, मॉन्टेजेस हो गए, क्लासिक मैचेस के गेम प्लेज हो गए और बहुत कुछ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो इसी के साथ आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्क्वाडास की टिप्स एंड ट्रिक्स। जैसे जब आप किसी के ऊपर रश करते हैं या फिर कोई स्क्वाड आपके ऊपर रश करती है तो आपको उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो इसी वीडियो में मैंने नेट्स का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि 1v1 फाइट लेने से बढ़िया है अगर आप बिना फाइट ले जीत जाओ तो उससे बढ़िया बात क्या होगी। इसलिए आपको साउंड पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए बकचोदी ख़त्म करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर कोई ना कोई बंदा TPP ले रहा होता है, तो जैसे ही आप सिडियो की तरफ आते हैं वो आपको इजी नॉक कर देता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जब भी स्क्वाड हाउस पर रश करें तो आपको इस पोजीशन पे आना है, और ये जो छोटी विंडो दिख रही है, अगर कोई बंदा TPP ले रहा होगा तो आप उसको ईजी नॉक कर सकते हैं, और इससे आपके नॉक होने के चांसेस कम हो जाएंगे और एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको कहाँ से नॉक किया। अब सेकेंड टिप की तरफ बढ़ते हैं। या तो एनिमी स्टेयर्स पर कैम कर रहा होता है, या फिर आपको ये जो पोजीशन दिख रही है एनिमी वहाँ पर कैम कर रहा होता है। तो इसको नॉक करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आपको नेट खींचना है, और ये जो आपको छोटी विंडो दिख रही है, जब नेट का टाइमिंग 2 सेकंड करीब बचे तो आपको इसको थ्रो कर देना है। इससे एनिमी को समझने का टाइम नहीं मिलेगा और एनिमी ईजी नॉक हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप नेट को जितना ज़्यादा कुक करेंगे एनिमी को समझने का टाइम उतना कम मिलेगा, तो इससे आपका ही बेनिफिट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, आपने अक्सर देखा होगा कि स्क्वाड हाउस में ज़्यादातर बंदे बालकनी में कैम करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको मैं सबसे पहले एक चीज़ बताऊं। आप कहीं पर भी रश करें तो सबसे पहले आपको नेडिंग करनी है। नेडिंग करने से क्या फ़ायदा होता है, एक तो एनिमी इसके ऊपर आपका प्रेशर बढ़ जाता है, और अगर कोई बंदा नॉक भी हो गया तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। तो आपको नेट खींचना है, और ये जो आपको सीलिंग दिख रही है, जब 2 सेकंड करीब बचे तो आपको नेट को थ्रो कर देना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, एनिमी इसको कम समय मिलेगा बचने का, और एनिमी जहाँ भी पोजीशन में होगा वो ईजी नॉक हो जाएगा। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। आपको पता है कि काफ़ी सारे बंदे पैनिक रूम में भी TPP लेते हैं। अब आप सीधे से तो जा नहीं सकते हैं क्योंकि बंदा TPP ले रहा है, अगर आप जाएंगे तो वो आपको इजी नॉक कर देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सीधे भागते हुए बालकनी में आना है, फिर जंप करके इस पोजीशन से आपको विंडो पे आ जाना है। अब एनिमी को क्या लगेगा कि आप बालकनी में हैं, लेकिन उसको क्या पता कि आप उसके पीछे आ गए हैं, तो इससे एनिमी को पता भी नहीं चलेगा और आप उसको ईजी नॉक कर देंगे। और गाइस, अगर आपको ये वाली टिप पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अब अगला पॉइंट, आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बंदे इस बॉक्स के पीछे भी कैम करते हैं, लेकिन जब आप यहाँ से TPP लेते हैं तो बंदा दिखता नहीं है, लेकिन अगर हल्के से भी फुटस्टेप आ जाए तो इससे बढ़िया बात क्या होगी बंदे को नॉक करने के लिए। तो आपको क्या करना होगा, नेट खींचना है और स्क्वाड हाउस के पीछे आ जाना है, और ये जो आपको ऊपर की साइड 3 विंडो दिख रही है उसमें से मिडल वाली विंडो से आपको नेट फेंक देना है। इस बात का ध्यान रखना है कि आप नेट को जितना ज़्यादा कुक करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि एनिमी फिर भाग नहीं पाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से, एनिमी यहाँ पर कैम कर रहा होगा, और जब आप नेट को फेंकेंगे इस वाली विंडो से, मिडल वाली विंडो से, तो वो नेट सीधा बाउंस होकर ऊपर इस जगह पर लगकर सीधा एनिमी के ऊपर जाके फट जाएगा, और एनिमी को समझ में भी नहीं आया कि वो कहाँ से नॉक हुआ। अब ये जो नेक्स्ट टिप मैं बता रहा हूँ ये बहुत प्यारी टिप है। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बंदे यहाँ पर भी TPP लेते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बालकनी में आना है, और ये जो गेट दिख रहा है आपको उस पर वॉल्ट कर जाना है। अब एनिमी तो TPP ले रहा होगा, अब उसको थोड़ी नहीं पता कि आप उसके पीछे भी आ गए हो और आप उसको ईजी नॉक कर दोगे, बेचारा फिर नॉक हो गया। अब देखिए, बंदे छत पर भी 2 जगह कैम करते हैं, या तो सीढ़ियों के पीछे या तो इस पोजीशन पर। अब आपके पास फिर से 2 ऑप्शन है, या तो आप बालकनी से जा सकते हैं, बालकनी से वही गेट वाली ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं, उससे बंदा इजी नॉक हो जाएगा कि देखो ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। या अब सेकंड पॉइंट, आपको फिर से एक नेट खींचना है, और नेट को खींचते वक्त वही जब समय कम बचे वो जो आपको सीलिंग दिख रही है वहाँ पर आराम से आपको बाउंस करवा देना है 2 सेकंड करीब में, बंदा फिर से नॉक हो जाएगा। ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आप बिना 1v1 फाइट लिए एनिमी को नॉक कर सकते हैं। अब मैं आपको बालकनी की एक और टिप बताता हूँ। आपने काफ़ी बार देखा होगा कि बंदे इस गेट पर भी TPP ले रहे होते हैं, तो अगर आप आगे जैसे ही बढ़ते हैं वो आपको नॉक कर देता है, तो इस सिचुएशन से आपको कैसे निकलना होगा, आपको एक स्मोक लेना है और एक स्मोक यहाँ पर कर देना है। अब स्मोक किस लिए किया, ताकि उसका व्यू ब्लॉक हो जाए हर एनिमी का। आपको क्या करना होगा, आपको इस विंडो पर आना है और जंप करना है, वॉल्ट नहीं करना है, जंप करना है, और आपको धीरे से सीलिंग के ऊपर आकर आगे आ जाना है। अब इससे क्या होगा, आप आगे आ जाएंगे तो आप बालकनी में पहुंच जाएंगे। अब एनिमी जहां पर भी TPP ले रहा होगा तो आप उसको ईजी नॉक कर देंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा। अब इसी बालकनी से आप आगे वाली विंडो पर भी जा सकते हैं और किसी भी पोजिशन पर जा सकते हैं आप, जैसा कि मैं जाके दिखाया आपको। अब मैं आपको एक टिप बताता हूँ।
जब भी एनिमी आपके ऊपर रश करते हैं तो आपने ज़्यादातर देखा होगा कि वो स्क्वाड ऑफ के अंदर गाड़ी घुसेड़ देते हैं, लेकिन ऊपर तो सीढ़ियों से ही आते हैं ना, तो आपको इस पोजीशन पे आके खड़ा हो जाना है और पीक लेके जैसे एनिमी आएगा आप उसको स्प्रे देके नॉक कर सकते हैं। अब एनिमी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसको कहाँ से नॉक किया। एनिमी को तो लगेगा कि आप स्क्वाड ऑफ के अंदर हैं, लेकिन आप इस छोटी विंडो से उसको पीक करके नॉक कर सकते हैं और वो ईजिली नॉक हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और उसके बगल वाली घंटी भी बजा देना ऐसे ही करके। मजाक था भाई, थोड़ा सामान गिर गया था। चलो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।